हाय व्यूअर्स, हम हैं पहाड़ी और हम हाजिर हैं आज एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग जाएंगे पंचवटी मंदिर, जो कि हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और पंचवटी मंदिर का सीधा सीधा ताल्लुक महाभारत काल से द्रौपदी और पांडवों से है। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और कुछ रोचक जानकारियां हासिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पंचवटी मंदिर में। अब रास्ते रास्ते चल रहे, प्रसाद लेंगे। अब देखते हैं कहां से मिलता है प्रसाद यहां पे। तो दोस्तों, ये है पंचवटी मंदिर और ये है इसके बाहर का परिसर। ये है बाइक पार्किंग और ये है प्रवेश द्वार। और दोस्तों, ये है एकमात्र दुकान जहां से आपको प्रसाद मिलेगा। यहां पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक दो छोटी छोटी दुकानें हैं मंदिर के प्रवेश द्वार के बगल में ही। तो चलिए, अब हम लोग भी फूल मालाएं खरीद लेते हैं। प्रसाद तो हम पहले ले चुके हैं और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। आइए, इधर से चलेंगे पहले। तो दोस्तों, हम लोग मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितना बड़ा परिसर है ये। बाहर से देखने पर आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये देखिए, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। बहुत शानदार। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सबसे पहले खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो ये हम आ चुके हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर और बहुत ही बड़ा हॉल है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये सबसे पहले माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और अब यहाँ है, ये है खाटू श्याम जी दर्शन। जय खाटू श्याम। और गणेश जी की, गणेश भगवान की मूर्ति तो आप जानते हैं हर मंदिर में स्थापित होती है। और यहाँ से मित्रों, यहाँ पे से लगाएंगे परिक्रमा। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम वहां जा रहे हैं जहां द्रौपदी जी द्वारा अपने हाथों से निर्मित माँ भगवती की शिला रखी हुई है। तो दोस्तों, यही है वो शिला जो पंचवटी मंदिर का मुख्य आकर्षण भी है। जय माँ भगवती। दोस्तों, माँ भगवती के दर्शन के साथ ही आप सभी से विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। माँ भगवती आप सभी की इच्छा पूर्ण करें।
प्रसाद एक जब चढ़ाया प्रसाद दोबारा थोड़ी चढ़वाते हैं, उसको भेंट चढ़ा देंगे ना बस। दोस्तों अब हम आ गए हैं बजरंगबली के मंदिर में, तो चलिए दोस्तों बजरंगबली के दर्शन करते हैं। सबसे पहले निशा जाएगी, फिर मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में है ट्राइपॉड। जय बजरंगबली। और साथ ही हैं भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण। जहां हनुमान जी वहां भगवान राम तो होंगे ही। और ये फिर से बजरंगबली की एक और चित्र बना रखा है, ये मूर्ति नहीं है। जय बजरंगबली। और यहीं साथ में है भगवान शिव का शिवलिंग। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं शनि देव के दर्शन करने के लिए। शनि देव के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी हैं, शनि देव की कृपा दृष्टि भी बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं शनि देव के मंदिर की तरफ, और ये हम आ चुके हैं भगवान शनि देव के पास। जय शनि देव, जय शनि देव। तो दोस्तों ये हैं पीपल देवता, और पीपल देवता के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उससे पहले अब हम लोग बढ़ रहे हैं द्रौपदी जी की कुटिया की तरफ, जहाँ पर उन्होंने हवन वगैरह किया था। हवन तो दोस्तों ये उस समय की द्रौपदी जी की पूजा अर्चना करने की और हवन करने की जगह है ये, और यहीं पर वो शिला रखी गई थी पहले, बाद में उसको हटाकर वहाँ स्थापित कर दिया गया जहाँ पर हमने आपको दिखाई थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये थी या फिर ये थी, इन दोनों में से एक थी, शायद एक कुटिया थी और एक हवन पूजा करने की जगह। दोस्तों अब चलते हैं भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए, भगवान शिव की विशाल मूर्ति के दर्शन करने के लिए। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। तो दोस्तों मैं अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ पीपल देवता के बारे में। जब वहाँ पर पीपल देवता को लगाया गया तो इंटरेस्टिंगली पीपल देवता के भी पांच ही तने निकले, इसीलिए मंदिर के पुजारी और यहाँ के सभी लोग पांचों पांडवों से इन्हें जोड़कर देखते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात।
अपनी गाड़ी की तरह। वी होप कि आपको पसंद आया होगा पंचवटी मंदिर के दर्शन। ज़्यादा लोग जानते नहीं इसके बारे में, बस इसकी हमारे सनातन धर्म में एक इतिहास में एक जगह है, इसलिए हम सोचा कि यहाँ पे आना जरूरी है। दोस्तों वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं और वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि हमारे वीडियो लॉग में क्या अच्छा लगा आपको और कहाँ हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बाय।